मेरी प्यारी सी मियाओ मियाओ कैट। क्या करूँ मैं, मेरे साथ क्यों हो रहा है ये? अरे तो रुक ही नहीं रही है, रुक नहीं, गन रही है अपने मुँह का। गुस्सा हो गया, गुस्सा हूँ। बहुत पैसे खर्च होते हैं तेरे ऊपर, अब मैं नहीं संभाल सकती, निकल जा यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखाना। वो रिश्ते क्यों जोड़ता है, वो रिश्ते क्यों तोड़ता है। समझी, ये कूड़ा नीचे फेंक कर आना। ठीक है, अभी रख देती हूँ। इतना सारा कचरा, डेली का काम तो मेरा ही है ये। ये किसकी कैट है, इसको यहाँ पे किसने रख दिया? ये कितनी छोटी और प्यारी है, तुम्हें यहाँ पे किसने छोड़ दिया बताओ? कैट, मुझे मेरे ओनर ने घर से निकाल दिया, मैं बहुत उदास हूँ, मेरा अपना कोई भी नहीं है। अरे अरे, तुम घबराओ मत, अब तुम अकेली नहीं हो, चलो आज से तुम मेरी फैमिली हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ समरीन और आज मैं अडॉप्ट करने वाली हूँ फिर से एक न्यू कैट, वो भी 24 आवर्स के लिए। और मुझे पता है कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि मेरी कैट दिखने कैसी है और उसका नाम क्या है, लेकिन यार थोड़ा रुक जाओ, इसके स्वागत की तैयारियां भी तो करनी होगी और ये तो मेरे पास रुक ही नहीं रही है यार। चलो हम इसमें वेलकम पार्टी की तैयारियां करते हैं। यार मुझसे इतना सब तो अकेले हो नहीं पाएगा, तो मैं अपने कामचोर दोस्तों को कॉल करके बुलाती हूँ, देखते हैं आते हैं नहीं आते। हाँ कामचोर, पता नहीं है तुम लोगों को मैंने न्यू कैट ली है, जल्दी से मेरे घर आओ, अकेले सारा कुछ कर रही हूँ मैं। आ रही हूँ, आ रही हूँ। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है। आ गए तुम लोग काम चोरों, कितना टाइम लगा दिया, आधा काम तो मैंने कर ही दिया। पास वाले कमरे में थे। क्या एक्टिंग कर रहा है, बैठ कर बचा हुआ काम करो जल्दी से। अब डेकोरेशन वाले लगा, इस बहुत पैसे ले रहे थे, मैंने सोचा ये काम चोर लोग कब काम आएंगे। हम इसकी बिल्ली की मुंह दिखाई के लिए गिफ्ट भी लेकर आए हैं, देखेंगे हम दुल्हन का। और गाइस मेरी जो कैट है ना, वो भी किटन है, बिल्कुल छोटी सी, तो उसके लिए मैंने थीम रखी है हेलो किटी। इससे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मेरी कैट मेल नहीं फीमेल है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक पेट है जो कि है मकासा, और मुझे ना अब इतना आइडिया तो हो चुका है कि पेट को कैसे संभालते हैं, तो मैं इसको भी आराम से संभाल लूंगी यार, ये तो और छोटी सी है, ये तो संभाल ही जाएगी। अच्छा, और अगर सभी 24 घंटे में कामयाब होती है इसको संभालने में, फिर उसका डिसीजन लोगे आप लोग कि ये इसको हमेशा के लिए रखना चाहिए या नहीं उस कैट। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मुझे इस कैट को हमेशा के लिए रखना चाहिए। और यहाँ मैंने खास अपनी न्यू कैट के लिए ना अपना दिल निकाल के पूरा इसको फुलाया है, बड़ा सा किया है इसको। एक मिनट, लेकिन ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। तुम्हारा दिल तो इतना बड़ा है भी नहीं, वो तुम्हारी तरह छोटा निकल गया ना मेरा भी, चल कोई बात नहीं। ओ चलो ओ टोल वाले, ओ बैंड बाजा लेके आ जाओ। देखो ये करेगी डेकोरेशन, सारा खराब कर दिया इसने। सही करो कोई, क्या करूँ मैं, मेरे साथ क्यों हो रहा है? दिल से बुरा लगता है भाई, ये भी सोच रही होगी कैसे कैसे पागल लोग हैं। सब खराब हो गया। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। फाइनली हमारी डेकोरेशन हो गई है और अब मैं लेकर आती हूँ अपनी प्यारी सी छोटी सी कैट को। मैं तो अकेले बिल्कुल बोर हो जाता हूँ, कोई दोस्त भी तो नहीं है मेरी। अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। और ये है मेरी प्यारी सी छोटी सी म्याओ म्याओ कैट। कैसी दिखती है खुशी, चार पंजे एक पूंछ, कैसी दिखती है खुशी, मुंह पे लंबी लंबी मूंछ। और गाइस जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया उसे तो मैंने पूछा ही नहीं कि उसको ये सब कुछ कैसा लगा। मुझे तो ये डेकोरेशन इतनी अच्छी लगी कि मेरी आंखें फटी के फटी रह गई। कि मेरी प्यारी से कैट का नाम क्या है, तो आ जाओ मेरे साथ, चलो उसका नामकरण करते हैं। चुप कर बे कुत्ते, ये कितना ज्यादा नींद में हो रही है बेचारी, बच्ची थक गई बिल्कुल सच में। वेलकम पार्टी थी इसकी, अभी इतनी छोटी है ना यार, पता है बहुत ज्यादा थक जाती है, और ये मतलब कि खेलती रहेगी, सोती रहेगी, मतलब इसकी मर्जी, कहीं भी कुछ भी करती रहती है। तो मेरी कैट का नाम है MIMSI MIMSI। ये देखो मेरे साथ ऐसे खेलती है, ये मुझे पहचान गई है अब इतना ज्यादा। वेल डन, वेल डन। ओह मेरे सर पे नाखून मार दिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर भी प्यार करूंगी। मैं आपको दिखा रही थी कि इसके सर पे M बना हुआ है, वो भी नेचुरली, और ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। जब हमने ये नोटिस किया तो हमने सोचा कि वाओ यार ये कैट तो कुछ अलग ही है, तो इसलिए हमने इसका नाम भी M से रखा और M से मकासा भी है, तो दोनों की जोड़ी बनती है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये MIMSI नाम कैसा लगा। MIMSI आ गई, MIMSI आ गई, MIMSI आ गई। तो
अब हम मिम्सी के आने की खुशी में करते हैं केक कटिंग। हैप्पी बर्थडे मिम्सी। सबको देखो भाई कैसे देख रहा है। गद्दारी कर दे। गुस्सा हो गया। सबसे पहले केक मैं खिलाऊंगी आप सबको। मैंने खाना भी शुरू कर दिया। गाइस यहाँ मिम्सी और मकासा के नैन मटके हो रहे हैं। वाह 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 वाह। अभी से ही नैन और मटके। इसी बात पे मैं आपको बताती हूँ कि इनकी दोस्ती हुई कैसे थी। सबसे पहले जब मकासा ने मिम्सी को देखा तो उसका क्या रिएक्शन था देख लो। डरो मत। यार मुझे लग रहा है कि अब इसको कुछ मुझे खिला देना चाहिए। बेचारी कब से भूखी है, मैंने इसको कुछ भी नहीं खिलाया। चलो इसका खाना लेकर आते हैं, इसको खाना खिलाते हैं। और ये ना अभी बहुत छोटी है तो बहुत कम बोलती है, बहुत अकेली होती है ना तभी बोलती है। मकासा जब स्टेज में था तो वो बोला करता था लेकिन ये नहीं बोलती है। ये बिल्कुल बहुत ही छोटी सी बच्ची की तरह बिल्कुल चुप रहा करती है, बताती भी नहीं कि भूख लगी है। तो बस इसको थोड़ी थोड़ी देर पे खाना देना पड़ता है। चलो अभी लेकर आते हैं खाना। तो मैं ले आई हूँ उसकी किटन वाली बिस्किट जो कि अभी देखो बिल्कुल छोटी छोटी सी है, ये खाने लग जाएगी अभी। खा लो मिम्सी खा लो। तो यार आप लोगों ने देखा कितनी भूखी थी। इसको ना जल्दी जल्दी भूख लगती है लेकिन बहुत कम भूख लगती है, इतने से बिस्किट खाएगी बस देख लेना अभी। और हाँ मैंने देखा कि आप लोगों ने अभी तक तो इसको मुंह दिखाई दी ही नहीं। आप लोग मुंह दिखाई दे सकते हो और इसको प्यारा सा गिफ्ट भी दे सकते हो उस वीडियो को लाइक करके। जल्दी से लाइक कर दो प्यारी सी मिम्सी के लिए। देखते हैं इसको मुंह दिखाई में कितने लाइक्स मिलते हैं। यार तुम कितनी प्यारी हो। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। अब होने वाला है एक गेम जिसमें हम करने वाले हैं मकासा और मिम्सी। और अभी हमें उनकी तरह खाकर दिखाना होगा और फिर देखना है कि कौन सबसे पहले खाता है। और जो भी इस चैलेंज का विनर होगा मिम्सी उसकी कहलाएगी। मेरी है मिम्सी। मुझे फ्री में मिल जाएगी। 3, 2 मेरा होगा दिमाग का। हाथ यूज नहीं करेगा कोई। समरीन उगल रही है अपने मुंह का। गर्दन टेढ़ी हो रही है। भाई नहीं गिर जाएगी। टाइम अप। भाई खत्म नहीं हुआ। खत्म नहीं वाले कि तुम सबसे कम तो है ना। गाइस ये है मेरी प्लेट, ये है मेरी प्लेट, ये जवाब की प्लेट। अब बताओ आप लोग कि सबसे कम प्लेट में किसका खाना है। मुझे लग रहा है कि सबसे कम खाना है तुम्हारी प्लेट में तो तुम होती हो चैलेंज की विनर। ये मिम्सी मेरी है। नहीं जी मिम्सी मेरी है। इस तरह से खाने में से कोई वो नहीं होता। ये तो चीटिंग है भाई। कोई बात नहीं मकासा तो मेरा है। वो भी मेरा है क्योंकि हमें मिम्सी मकासा की तरह खाना था। नहीं नहीं मकासा तो चैलेंज की विनर हूँ मैं। और इन दोनों को देखो ये दोनों भाग कर आ गए अम्मी पापा के रूम में। इन दोनों को एक दूसरे की कॉपी करना बहुत पसंद है। अगर एक अलमीरा में गया तो दूसरा भी जाएगा। जाओ जाओ उसको ही प्यार करो। मैंने तो बेकार इस पे लाइन मार दी लेकिन चलो दोस्ती कर लूंगा उससे धीरे धीरे। ये है फर्स्ट फ्लोर और सबसे टॉप फ्लोर पे रहती हैं ये भाभी जी। आ जा मुन्नी आ जा। चलो लेकर चले हम इसको इसकी जगह पर इसके कमरे में। समरीन द कैट का एक्सपीरियंस जो है वो 1.5 साल का है। अब तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा चैलेंज है। शुरू में पहली बार तो तुम जब मकासा आया था तो डर रही थी उससे लेकिन अब मैं नहीं डरी क्योंकि मैं कैट से बहुत ही वो हो गई हूँ कि मतलब कैट तो मेरी सब कुछ है यार, मैं कुछ नहीं डरती अब। तो तुम्हारे पास एक टास्क है, तुम्हें मिम्सी का हाथ पैर और नाक और आँख साफ करना होगा। वो भी साफ करना होगा चाहे वो कुछ भी करे लेकिन तुम्हारा चैलेंज है साफ करना है। अगर तुम नहीं कर पाई तो मैं एक अच्छी बिल्ले बिल्ली की माँ नहीं। ठीक है तो मैं करके दिखाऊंगी। मुझे यार मिम्सी बस भागती है इधर उधर, नहीं रुकती एक बार। यही तो टैलेंट है, कैसे भी करना पड़ेगा। ओके ठीक है करके देखते हैं। नाखून से मार के भाग रही है। रुको मिम्सी रुको। यार ये तो रुक ही नहीं रही है। रुको यार जाओ रुक जाओ। देखो क्या है। मार रही मिम्सी को। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मिम्सी ना मेरे साथ हमेशा जब भी मैं कुछ भी लैपटॉप में देखती हूँ कुछ भी करती हूँ तो मेरे साथ मेरी पार्टनर बन के ना वो भी ऐसे देखती है। और अभी बज रहे हैं रात के 1 और वो बहुत ज्यादा थक चुकी है तो मैं उसको कुछ पोएम सुनाकर सुला देती हूँ। तो गाइस ये
ये भी लैपटॉप चला रही है। ये मेरे साथ बैठ बैठ करना सीख गई है। अब देखो बैठ गई, अब ये देखेगी। जब तक मैं देखती रहूंगी ना पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेती है ये। आजकल की बिल्ली हूं, ऐसी थोड़ी नेटफ्लिक्स एक्चुअल मेरा काम है। निम्सी ये तो बताओ तुम्हें ये सब कुछ देखकर कैसा लग रहा है? मिम्सी को आ रही है नींद और अभी इसको सुलाते हैं। मिम्सी टाटा बाय बाय कर दो सबको, चलो सोने का टाइम हो गया, चलो चलो। इसके मूड का कुछ आता पता नहीं होता। अभी ये सोने के लिए आई थी और अब देखो नीचे जाकर बैठ गई है। अब फाइनली मिम्सी सो गई है और मैं यहीं पर खत्म करती हूँ अपनी ये वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मकासा और मिम्सी में से क्यूट कौन लगा, या फिर दोनों ही लगते हैं। मुझे तो दोनों लगते हैं। और मिम्सी को ना भर भर के लाइक करके मुंह दिखाई दे दो। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, आपका एड्रेस दिख रही होगी। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।